Let's go to Dubai. Hey! Wow, beautiful. What a room, yaar. What a room, yaar. Miral! Happy Miral! Oh my god, my friend got a new car, man! Bus! Yes, Miral is having fun. Oh, Amal is having a lot of fun. पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है, वह मसला दूसरे का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सी मनी बर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है बेसिकली वेंसडे 21 मार्च और हम लोग जा रहे हैं दोबारा 3 महीने बाद दुबई। यार दुबई बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे दूसरा घर है, क्योंकि एक तो रेजिडेंस मिल गई है वहाँ की, जाना बहुत आसान हो गया। और उसके अलावा मेरा एक बहुत ही बचपन का दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त हमदान वहाँ पे रहता है, जो कि बार बार मोहब्बत करता है, बार बार मिलने के लिए बुला लेता है, और कुछ काम के सिलसिले भी होते हैं। सो अभी इस वक्त जा रहे हैं हम काम के सिलसिले में भी और मिलने के सिलसिले में भी। अच्छा, हमारा प्लान कुछ इस तरह से है कि हमने जो है वो कल जाना है क्रूज़ पे, और बड़ा ही अमेजिंग क्रूज़ है, उसका मैंने शाउट आउट भी दिया था जो अल मरबत ट्रैवल एंड टूर्स वाले करवा रहे हैं। सो क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट वन क्रूज़। तो मैंने पहले भी बहुत सारे लिए हुए हैं। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अभी गाड़ी के अंदर पैक हो चुके, सामान पैक हो चुके, तो इस दफ़ा जी थोड़ा सा हम लेट हैं एज़ यूजल 5-10 मिनट, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा। अमल इज़ सो एक्साइटेड एंड दुबई के लिए हमेशा ही एक्साइटेड होते हैं। यार लकीली हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है कि दुबई गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे टाइम पे जो है वो हमें गोल्डन वीज़ा दे दिया, और हमने अवेल कर लिया वो ऑप्शन। यार बड़े लोगों के तो टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। कल मेरे एक कज़न आया हुआ था, उस बेचारे का टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। यस जान, ओके, आर यू एक्साइटेड फॉर दुबई? हां, व्हाट विल यू डू ओवर देयर? व्हाट विल यू डू ओवर देयर? प्ले विद नाया। ओके जी, सो जस्ट वेटिंग फॉर मामा, मेरे भी वहाँ पे खड़ी हुई है। चलो भाई। ओके जी, सो तकरीबन आधा रास्ता तो है वो हम अबूर कर चुके हैं विद इन टाइम। हाँ भाई, एमिरेट्स आईडी यूज कर कैसा लग रहा है? इतनी खुशी। लेट्स गो टू दुबई, ऑल सेट। 6 दफा मेरा नाम कॉल हुआ है, लास्ट पैसेंजर्स की बट आई लव योर बैग। Which one? This one? Yes, this is my daughter's bag. So guys, we have finally landed in Dubai. Papa, which hotel are you going to stay? What? Hotel. Hotel? We are going to stay in Burj Khalifa. Look here. Hello. Wadi, tune linen pehni hai. Full tune body banayi hui is dafa. Let's go. Wow. Huh? Kya? Maza aa raha hai? Are you having fun? Huh? You guys are hasa rahe ho. Hey. Let's go. Wow. हेलो, क्या हुआ भाई? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? 51st बाय। दिस इज अ लाउंज इज देयर। हां जी, थ्री लेयर्स ऑफ हाइट। क्या बोल रहे हैं? काला सैंडविच। काला सैंडविच, सच अ रेसिस्ट। तासुब पसंद हो जाए, तुम सैंडविच को काला कह रहे हो, कलर शेम कर रहे हो तुम सैंडविच को। कोई बात नहीं, ये देखो ये ऑरेंज सैंडविच भी है। ऑरेंज भी है, उसको तुमने ऑरेंज नहीं बोला, काले को तुमने काला बोला। चलो जी यार, बड़ा रूम। हाँ ठीक है भाई, क्या हो गया यार, खोल दे भाई। वाह ब्यूटीफुल, व्हाट अ रूम यार, व्हाट अ रूम यार, क्रेजी रूम। ओए होए, यू लाइक इट? ओहो जबरदस्त। मिराल, हैप्पी मिराल। My God, my friend got a new car, man. Jab aao, mashallah, koi nayi gaadi hai. Oh, bas.
बस 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 भाई बस बस मेरे भाई वाह वाह मैं मान गया भाई, मैं मान गया, मैं मान गया 180 पर थे बस। प्लीज प्लीज ब्रो अभी बहुत जिंदगी पड़ी है आगे, बच्चों की खुशियां देखनी है बस। अबे भाई तो भाई आराम से चला लो, तुम लोगों ने लगता है मुझे हार्ट पेशेंट बना के भेजना है घर। भाई हम कराची में जो ना हम इतनी गाड़ी नहीं भगाते, हमें आदत भी नहीं है इतनी गाड़ी भगाने की। मैक्लारेन और ये पोर्शे किस पे चल रही है? 50 अभी तक सिर्फ 50। चलाओ चलाओ सुकून से चलाओ यार, आराम से पहुंचेंगे घर, कोई जल्दबाजी नहीं हमें। जी गाइस फाइनली आज है जी पहला दिन और अभी मैं आ गया हूँ जिम, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया, शायद मैंने काफ़ी दिनों बाद शेव किया, शेव भी मैंने खुद किया तो सही हुई भी नहीं। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है। सो आ गया थोड़ी सी वर्कआउट करने के लिए। यार जिम बड़ा ज़बरदस्त है इस होटल का। अच्छा यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम स्टे कर रहा हूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे कभी स्टे नहीं किया, बट दिस होटल इज़ रियली नाइस यार। आई थिंक पता नहीं क्या नाम है इसका, वाफी मॉल कोई है वहाँ पर ही है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट। Yes. Why? खोलो। So, Amal, we are on 36th floor. You cannot jump from here. It's very dangerous. You don't have parachute. क्या? Snapchat पे लगा दो। अच्छा Amal. Amal is very social. She just wanted her Snapchat followers to know that what she's eating every day. Wow. Hello. Hello. Oh, it's so hot. It's okay. Yeah, we are going to go into pool. That's right. Yeah, but it's so hot, Amal. But it's okay. It's okay for you. Yeah. Not okay for me. Yeah. Wow. Nice pool. Wow. We are going to the kids' pool. Yeah, we're having fun. Oh, whoa, 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 whoa. Amal is having a lot of fun. आज है दूसरा दिन और इट्स एन अमेजिंग सनी मॉर्निंग। गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ये कि पूल और ये खास तौर पे ये पूल साइड जो ये एक इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, इट्स वेरी मेस्मराइजिंग एंड अमेजिंग एंड रियली हैविंग अ ग्रेट टाइम। बच्चों को जो है वो मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ मामा के साथ, ताकि थोड़ा सा पापा भी जो है वो अपना टाइम इन्जॉय कर लें। सो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ। ला भाई ये कौन सा, ये क्या है, गर्म पानी? क्या हुआ? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। चलो जी आ गए हैं फाइनली क्रूज पे, अलिश्बा क्रूज। ओके क्या है मेन्यू में? ओ डिड यू हैड फूड? या आई कैन सी 1 kg बिरयानी तुम्हारा है ना, ये शेयरिंग है। अबे छठी दफा तू शेयरिंग कर रहा है, कितनी शेयरिंग करेगा, इतना शेयर तो शेयर भी नहीं करता। बरकत भाई जो है अभी बरकत भाई गोना परफॉर्म राइट हियर। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। और तीन लफ्ज हैं जो आई लव यू से बेहतर है। क्या? पतली हो गई हो? हाँ ये ये आपने कहते रहना, बीवियों का कहते रहना है। हाँ, अपनी बीवियों को। एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, यकीन करें वो आगे गया किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। बाबा के पास गया, बाबा कह रहे मांग जो मांगना है मांग, कह रहे बाबा मुझे फिर से अनमेरिट कर दो, बाबा कह रहे बेटा मन्नत मांग जन्नत ना मांग। ये बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। कल इन्होंने पार्क में लड़की की इज्जत बचा ली। कैसे? कैसे? खुद ये खुद पे काबू रख के घर आ गए। आपको पता है अरेंज मैरिज क्या होती है? अरेंज मैरिज क्या होती है? जब आप रास्ते में जा रहे हो आपको सांप काट ले। लव मैरिज क्या होती है? क्या? जब आप सांप के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो आप काट मुझे। मैं कहता हूँ महबूब इतना सेहतमंद भी नहीं होना चाहिए कि कंबल ही ना मिले, और इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए कि कंबल में महबूब ही ना मिले। अच्छा हमारा कद यूं बड़ा है, इनका कद यूं बड़ा है। जितने जोक्स इस बंदे को याद है उतने शायद हमें भी याद है, लेकिन बट क्योंकि इनका काम ऐसा है तो ये उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़ा अच्छा काम करे। इतने हिट सीरियल इन्होंने दिए, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि एक्चुअली मुनीत के चेहरे पर रौनक इसलिए क्योंकि इसका दिल रोशन है, और जिसका दिल रोशन है उसके चेहरे पर रौनक खुद ब खुद आ जाता है। थैंक यू एवरीवन एंड बरकत भाई, ओसीम भाई बहुत माशाल्लाह जबरदस्त, आपका जो टैलेंट है मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इट्स अमेजिंग एंड बहुत सपोर्टिव है, थैंक यू वेरी मच। और लेकिन मैं चाह रहा हूं कुछ बातें और इसको आप जब बातें मेरे साथ हमारे दिमाग में भी कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है कुछ हालात के बाद। आपकी शादी के एक्सपीरियंस को लेके, मेरे शादी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छा
बहुत अच्छा है बहन, ये सही कह रहे हैं जी, इनसे ज्यादा कोई खुश और नहीं है। अच्छा ये बात सच है, मैंने पहले भी कही थी, अक्सर मियां बीवी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। नहीं नहीं, हमारा सच तो बहुत मीठा भाई, दो दो मीठे मीठे बच्चे घूम रहे हैं। अभी क्या किया तुमने बताओगी? मैं आया ना नया आईफोन 15, इसलिए मैं इसको फेंकना चाह रही हूं। देखा तो यही जमीन में पड़ा हुआ। भाई क्या प्रेजेंटेशन है यार, इसको अगर बंदे को भूख ना लगी हुई हो सिर्फ ये देख के भूख लग जाए। लुक सो यमी एंड रिच। थैंक यू ब्रदर। वेलकम सर। थैंक यू। व्हिच क्यूजीन इज दिस? वेयर यू गाइस फ्रॉम? इंडियन क्यूजीन। आई लाइक इंडियन फूड मैन, वेरी गुड फूड। हां जी, ले आए हैं हम आपके लिए। अच्छा ये है इंडोनेशियन क्यूजीन। और यार अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं पाकिस्तान से जब कहीं कहीं भी बाहर जाते हैं तो जाके बोलते हैं यार देसी खाना देसी। भाई आप कहीं पे भी जाओ तो ट्राई करो, क्या पता कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग जाए। लेकिन हमारे लोग कहते हैं नहीं हमको देसी खाना है। वैसे खा हम भी देसी रहे, नीचे दिखाएं अगर आप। ये देखा। वापस हो सकते क्या है ये? बहुत अजीब है यार। जी गाइस, सो एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन ये मैंने चीज़ पहले कभी नहीं देखी। सो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी दिखाता हूँ द ड्राई एज बुटीक। अच्छा यहाँ पे जो है ये मीट रखा हुआ है जो कि उस पर लिखा हुआ है ये कितना पुराना है। यू कैन यूज़ इट फॉर स्टेक, या आप इसको पता नहीं किस तरीके से खाएंगे, लेकिन ये ड्राई एज्ड है। और मोस्टली आई थिंक इसके अंदर जो है वो ये वाला जो रिब आई जिसको हम कहते हैं स्टेक, वो इन्होंने एज किया हुआ है। नहीं यार टेंडरलाइन भी है, शॉर्ट लाइन भी है। तो यार इस तरह की चीज़ें जब मुझे नज़र आती है तो मैं सोचता हूँ कि यार हमारे मुल्क में क्यों नहीं है, ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। लेकिन क्या करें भाई। ओके सो किड्स आर गोइंग इनसाइड। हाँ जी, हैप्पी हो अमल? अजान आप हैप्पी हो? नहीं, आप तो बिल्कुल बच्चे नहीं है भाई, आप माशाल्लाह बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ। यार एक ड्रिंक लिए एवोकाडो। हेलो हेलो, ओए होए ब्रो, व्हाट इज इनसाइड कैन यू टेल? हाफ एवोकाडो, होने जरे बेकरी हम बिस्किट टॉप टू टॉप। ओके वाह जी, आज ही फूड इज हियर। ये ऐसा फूड है जिसका बहुत ही मुश्किल नाम है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सैलेड व्हिच वी ऑर्डर्ड? लैंगुइन पिंक कांटू। व्हाट वाज द नेम? हुई पता नहीं क्या बोला। ओके ओके, वही वही पिकांटी याद आ गया मुझे। अमल लुक्स डिलीशियस। अमल यमन ये लो, ये ट्राई करो लिंगुइन पिकांटी। मैंने ऑर्डर किया तुम खा लो। हेलो एवरीबॉडी, होप एवरीवन इज फाइन। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, अच्छा जी, सो आज जो है वो गाइस हम लोग जा रहे हैं बाकू। प्लान बना है इंस्टेंट, कुछ नहीं पता था कल रात तक कि क्या सीन होने वाला है। और एमन ने बोला कि भाई चलो 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 बाकू चलो, बिकॉज यहाँ पे एक काम आ गया जिसके लिए 4 दिन बाद जो है वो उसकी शूट है। सो एमन का आइडिया था कि जी हम बाकू चलते हैं और 3 दिन वहाँ पे स्टे करके वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान जाने से बेहतर है जब आए हुए ही हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है तो चलो यार बाकू भी देख लेते हैं। सो वी प्लान्ड इट जस्ट लाइक दिस इंस्टेंटली। कल रात में ऑनलाइन जो है वो टिकट बुक किए, ऑनलाइन सारी होटल की बुकिंग्स की हैं एंड वी आर ऑफ टू बाकू राइट नाउ। सामान जो है वो डल रहा है गाड़ी के अंदर। बहुत मज़ा आने वाला है।